कैसी लगी आपको सारी पिक्स? इन सभी पिक्स में एक चीज कॉमन है, वो है वॉल डेकोरेट करने के लिए वॉल मोल्डिंग्स का यूज करना। आजकल का जो इंटीरियर ट्रेंड है, वॉल मोल्डिंग्स या वॉल ट्रिम्स काफी ज्यादा उसमें ट्रेंडी है। आपकी कोई भी पुरानी एग्जिस्टिंग पुरानी दीवार हो या फिर नए कंस्ट्रक्शन के अंदर नई दीवार हो, दोनों को आपको अगर ट्रेंडी लुक देना है तो वॉल मोल्डिंग कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इकोनॉमिक भी और काफी ज्यादा ट्रेंडी भी है। आज के स्टॉक में हम आपको डीपली बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट से ये वॉल मोल्डिंग बनी हुई रहती है और क्या क्या इनकी कॉस्ट है। साथ ही हम बताएंगे वॉल मोल्डिंग को यूज करने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जो हमने एक्सपीरियंस के आधार पर कलेक्ट किए हैं। आपको किसी भी वीडियो में या किसी ब्लॉग में ये टिप्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे आपको टीवी पैनल, बेड बैक वॉल और सोफा बैक वॉल की कुछ बजट फ्रेंडली वॉल मोल्डिंग्स को यूज करते हुए डिजाइन, साथ में हम उसका बजट भी आपके साथ में शो करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। वॉल मोल्डिंग में इनिशियली पीओपी का काफी ज्यादा यूज किया जाता था। पीओपी वॉल मोल्डिंग में काफी दिक्कत आती है क्योंकि कोई भी चीज टच हो गई तो वो खिर जाती है, टूट जाती है। तो धीरे धीरे वॉल मोल्डिंग एज ए वॉल डेकोर करने के लिए पीओपी का यूज खत्म हो चुका है, हम इसको प्रीफर भी नहीं करेंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट काम में ले जाता है, होता है एमडीएफ या एचडीएफ। इसकी रिप बनाकर भी हम वॉल मोल्डिंग के लिए इसको काम में लेते हैं। एमडीएफ और एचडीएफ से जो वॉल मोल्डिंग्स बनाई जाती है लगभग 30 रुपए रनिंग फिट से लेके 60 रुपए 70 रुपए रनिंग फिट तक की उसकी कॉस्ट आती है। कार्विंग रिप्स की जगह बेस बोर्ड मोल्डिंग डिजाइन्स का जो कॉन्सेप्ट अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें एमडीएफ एचडीएफ का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद आती है वुडन मोल्डिंग जो काफी मजबूत रहती है, पाइन वुड या ओक वुड की लकड़ी की जनरली बनी रहती है। इसके अंदर जैसा हाफ राउंड हो गया, सेंटर हो गया, इस तरह का मोल्डिंग हो गया, ये ज्यादा चलता है। इसकी साइज भी अलग अलग आती है, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल दिक्कत ये आती है कि कई बार जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसके कारण कई जगह से लकड़ी बेंड खा जाती है, ऊपर उड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम कई बार देखने को मिली है। या फिर क्या होता है, लकड़ी में कहीं पे जॉइंट आ गया, फिर लकड़ी कहीं से कच्ची आ गई, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वहां से लकड़ी कई बार फट भी जाती है। तो वुडन मोल्डिंग आप काम में लीजिए, पर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का काम में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लगभग 10 रुपए रनिंग फिट से लेकर और 40 रुपए रनिंग फिट तक की मोल्डिंग्स बाजार में मिल जाती है। एमडीएफ, वुडन मोल्डिंग, पीओपी, इन सभी कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए आजकल पॉलीमर बेस, डब्ल्यूपीसी बेस एक रेडीमेड वुडन मोल्डिंग भी काफी मार्केट में आ गई है। ये जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप देखेंगे फिनिशिंग इसकी एकदम पीओपी जैसी है और स्ट्रेंथ भी वुडन जैसी है। इसमें वुडन की तरह किसी भी घिसाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रैक नहीं मारेगी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉलीमर प्रोडक्ट की बनी हुई है। इसके अंदर डिजाइंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, आप देखेंगे इस कैटलॉग में 20mm, 22mm से लेकर और सभी तरह की डिजाइंस इसके अंदर अवेलेबल होती है। इस तरह के बड़े गर्दाने भी अवेलेबल होते हैं, डबल मोल्डिंग भी अवेलेबल होती है, इवन कलरफुल भी आ गई है, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, इस तरह रेडी टू यूज कलर भी इसके अंदर आ गए हैं। कुछ इस तरह के नए कलर जो ग्रे कलर हो गया या इस तरह के लेटेस्ट कलर भी आजकल मोल्डिंग्स के अंदर अवेलेबल हो गए हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा प्रचलित अभी चल रही है वो है पॉलीमर बेस वुडन, पॉलीमर बेस वॉल ट्रिम की पैटर्न्स। इन रेडीमेड वॉल ट्रिम्स की कॉस्टिंग लगभग 30 रुपए रनिंग फिट से लेकर और फिर जैसा भी साइज और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रहती है। 30 से लेकर जनरली 150 रुपए रनिंग फिट तक ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब हम बताते हैं वॉल मोल्डिंग्स को दीवार पर लगाने से पहले और दीवार पर लगाने के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दीवार में ज्यादा एंडुलेशंस नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा दीवार उबड़ खाबड़ तो उसको थोड़ा पेंट पुट्टी से आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ध्यान रखिए कि जो भी वॉल मोल्डिंग्स आप लगाएंगे वो पूरे वाटर लेवल से लगनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दीवार पे जो भी फिक्स चीजें लगी हुई है, जैसे डोर लगा हुआ है, विंडो लगी हुई है, कोई एसी लगा हुआ है, कोई टीवी पैनल लगा हुआ है, या प्लग पॉइंट है, स्विच पॉइंट है, कोई लाइट लगी हुई है, इन सभी चीजों को आप कंसिडर कर लीजिए। साथ ही दीवार के आगे जो जो फर्नीचर आर्टिकल या चीजें रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए सोफा रखा हुआ है तो सोफे की साइज क्या है, सेंटर में है या नहीं है, उसके बाद बेड रखा हुआ है तो बेड की साइज क्या है, बेड साइड स्टूल की साइज क्या है, इन सभी चीजों को कंसिडर करके अगर आप वॉल की डिजाइन के लिए वॉल मोल्डिंग का पैटर्न बनाएंगे तो ज्यादा प्रॉपर पैटर्न बन के निकल के आएगा। दोस्तों जनरली मोल्डिंग्स को या तो फिर नेल फ्री से या फिर एडेसिव से दीवार पर लगाया जाता है, साथ ही साथ स्क्रू या कीले भी उसके अंदर लगाई जाती है। कील जो भी लगाएं बिल्कुल बारीक कील काम में लगानी है, साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि कील को उसके सेंटर में लगाना है। साइड में कील लगाएंगे तो बाद में फिनिशिंग करने के बाद वो दिखती है, तो सेंटर में लगाएं ताकि वो उसके अंदर कंसील्ड हो जाए।
साथ ही कील को 1 फीट से लेकर 1.5 फीट की दूरी पर लगा देना चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 8 फीट की जो हमने मोल्डिंग काम में ली उसमें केवल 2 या 3 कीलें लगा दी, उससे क्या होगा दोस्तों बीच में से वो मोल्डिंग ऊपर हो जाती है और वो स्पेस हमें दिखने लगता है। तो आप 1-1.5 फीट पर कील लगाते चलिए। एक चीज हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए, मोल्डिंग्स लगने के बाद में जब हम पेंट के लिए उस वॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोल्डिंग्स और वॉल के जो जॉइंट है वहां पर हमें पुट्टी, चौक मिट्टी और एनिमल ऑयल पेंट से पहले कोटिंग कर देनी चाहिए, उस जो ग्रूव है उसको पहले भर देना चाहिए ताकि पेंट करने के बाद में वो एक सीमलेस वॉल के रूप में हमारे सामने नजर आए। वॉल मोल्डिंग पैटर्न डिसाइड करते समय हमारे बजट को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। जैसे जैसे वॉल मोल्डिंग के पैटर्न बढ़ेंगे, जैसे आपने देख रहे हैं सिंगल बाउंड्री वॉल है, उसके बाद ये डबल बाउंड्री वाली डिजाइन है, तो जैसे जैसे आप डिजाइन कंजेस्टेड करते जाएंगे उसमें मोल्डिंग्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ कंसिडर करके ही आपको पैटर्न डिसाइड करना चाहिए। रेडीमेड वॉल मोल्डिंग एक फिक्स लेंथ में आती है, लगभग 8 फीट की इसकी लेंथ मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो आप जो भी पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं उसमें लेंथ को भी कंसिडर करके डिजाइन बनाइए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टुकड़े में जॉइंट करके लगाने पड़े, उससे फिनिशिंग कहीं ना कहीं हमारी डिस्टर्ब होती है। तो पैटर्न लेंथ के अकॉर्डिंग ही सेट करिए। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान पर रखते हुए आप वॉल मोल्डिंग पैटर्न को काफ़ी अच्छे से अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पैटर्न जो बजट फ्रेंडली भी हैं और आपके टीवी पैनल हो, बेड बैक वॉल हो या सोफा बैक वॉल हो, उसको काफ़ी अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वॉल मोल्डिंग्स को यूज़ करके बजट फ्रेंडली तरीके से आपकी वॉल को आप काफ़ी डीप और लेटेस्ट लुक दे सकते हैं। हम भी हमारे इंटीरियर प्लान में वॉल मोल्डिंग्स कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो बेडरूम हो या हमारा लिविंग रूम हो, हर जगह वॉल मोल्डिंग का यूज़ कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपके बेडरूम और फ्लैट को आप हमसे डिजाइन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और बने रहिए इस चैनल पर, आपकी प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिए ताकि हमारे वीडियोस हम अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।